हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ काफ़ी बड़ी है लेकिन जो हमारा मकान का मुख है वो नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है और मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हम प्लॉट की चौड़ाई की तो हमारे पास प्लॉट है काफ़ी बड़ा है और जो मकान है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो विंडो और वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अगर बात करते हैं मकान की मुख की तो हमारे पास देखिए दोस्तों नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ हमारे पास मकान का मुख है और जो दक्षिण दिशा वाली जो हमारी मकान की दीवार है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारे पास है 38 फीट 9 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक जो दक्षिण दिशा वाली दीवार है मकान की वो 38 फीट 9 इंच है और जो पश्चिम दिशा वाली दीवार है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारे पास है 33 फीट 33 फीट हमारे पास पश्चिम दिशा वाली दीवार है। तो चलिए अभी मैं आपको इसको पूरा डिटेल से समझाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास नॉर्थ फेस है, तो चलिए इसकी नॉर्थ दिशा से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बना हुआ पार्किंग जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट, ये हमारे पास हो गया पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के यहाँ सामने देखिए यहाँ पर आ रहा है 4 फीट का हमारे पास मेन डोर। यहाँ से हम जैसे ही 2 स्टेयर अप करते हैं तो घर का मुख्य दरवाजा आ रहा है 4 फीट चौड़ाई के अंदर। इसको हम जैसे ही खोलते तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर जिसके हमारे पास साइज है 18 फीट 6 इंच बाई 13 फीट। आप यहाँ से देख लीजिए तो 18 फीट 6 इंच बाई 13 फीट हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया रहा। अब डाइनिंग और लिविंग एरिया के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पूजा रूम बना हुआ है जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 5 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फीट और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फीट, ये हमारे पास पूजा रूम हो गया। इस पूजा रूम की 3 फीट की विंडो हमारे पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। पूजा रूम से आप इस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट 9 इंच, 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया जिसकी एक 3 फीट की विंडो इधर पार्किंग के तरफ निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो सामने उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। तो ये हमारा बेडरूम हो गया। अब इस बेडरूम से आप इस बाहर आते हैं इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक और बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 13 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, ये हमारा बेडरूम हो गया जिसकी एक 4 फीट की विंडो तो सामने उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है और एक 3 फीट की विंडो इधर पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से आप इस बाहर आते हैं तो ये हमारा हो गया डाइनिंग और लिविंग एरिया। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट, 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया जिसकी एक 3 फीट की विंडो सामने निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो इधर पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और किचन बना हुआ जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया जिसकी एक 3 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है और एक 3 फीट की विंडो पीछे दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और स्टोर रूम बना हुआ जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा स्टोर रूम हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। स्टोर रूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में हमारे पास स्टेयरकेस बना हुआ है, यहाँ से माप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग है और स्टेयरकेस के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेडरूम हो गया जिसकी एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर और एक 3 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम से आप इस बाहर आते हैं इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और एक कॉमन टॉयलेट बना हुआ जिसके हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 7 फीट, 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी यहाँ पर साइड पश्चिम के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए उत्तर दिशा हुई, अब यहाँ पर ये हमारे पास बना हुआ पार्किंग एरिया और ये हमारा हुआ है घर का मेन डोर और ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर पूजा रूम और फिर यहाँ पे ये बेडरूम और इसके जस्ट पास में यहाँ पर बेडरूम और डाइनिंग और लिविंग एरिया के इस तरफ ये बेडरूम, यहाँ पे किचन, ये स्टोर रूम, स्टोर रूम के पास में स्टेयरकेस, ये बेडरूम और ये हो गया हमारा कॉमन टॉयलेट। तो ये देखिए तो मैं आपको थोड़ा ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा है, ये पार्किंग एरिया, ये मेन डोर, ये बीच में डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये बेडरूम, ये किचन, स्टोर रूम, स्टेयरकेस, बेडरूम, इसके पास में कॉमन टॉयलेट, यहाँ पर बेडरूम और ये आपका बेडरूम और ये पूजा रूम। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों हम उत्तर दिशा स्टार्ट कर रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं तो चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो विंडो और वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 4 रूम है, एक किचन है, स्टोर रूम है, एक कॉमन टॉयलेट है, डाइनिंग और लिविंग एरिया और पार्किंग है। ये पीछे से यहाँ से लेके यहाँ तक 38 फीट 9 इंच है, किचन आ गया, स्टोर रूम आ गया, स्टेयरकेस आ गया और बेडरूम आ गया और फिर यहाँ पर ये बेडरूम, ये आपका बीच में डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, ये बेडरूम हो गया, इस बेडरूम के सामने यहाँ पर पूजा रूम, ये आपका घर का मेन डोर और ये पार्किंग एरिया और यहाँ पर ये बेडरूम
और ये उत्तर दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइन आती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही, थैंक्स।